महाराष्ट्र की सियासत में भारी उलटफेर, शिंदे सरकार में शामिल हुए एनसीपी नेता अजीत पवार, डिप्टी सीएम पद के लिए शपथ। अजीत पवार के साथ एनसीपी के 8 और विधायक शिंदे सरकार में हुए शामिल, छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल, हसन मुश्रफ ने ली मंत्री पद की शपथ। धनंजय मुंडे, धर्मराव बाबा अत्राम, अदिति तटकरे, संजय बंसोडे और अनिल पाटिल को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। शपथ लेने के बाद बोले धनंजय मुंडे, शरद पवार आज भी हमारे नेता और आगे भी रहेंगे, अघाड़ी छोड़ने की वजह से अजीत पवार बताएंगे। संजय बंसोडे का बड़ा बयान, राजभवन आने पर मंत्री बनाए जाने की मिली जानकारी, मेरे ऊपर शरद पवार साहब का आशीर्वाद। एनसीपी पर अजीत पवार ने ठोका दावा, कहा एनसीपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे, एनसीपी का नाम और निशान हमारा। अजीत पवार का दावा, पार्टी के सभी विधायक, सांसद और कार्यकर्ता मेरे साथ, इस वजह से सरकार में हुआ शामिल। अजीत पवार की दो टोक, नागालैंड में जब बीजेपी के साथ जा सकती है एनसीपी तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं। अजीत पवार बोले आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के साथ, इसीलिए लिया ये फैसला। शपथ के बाद बोले छगन भुजबल, शरद पवार खुद कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी फिर पीएम बनेंगे, विकास के लिए हम साथ आए हैं। शपथ ग्रहण के बाद बोले सीएम एकनाथ शिंदे, अब महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन की सरकार, अब सरकार और तेज चलेगी। एकनाथ शिंदे ने कहा हमने कोई तोड़फोड़ नहीं की, अब लोकसभा में हम पहले से भी ज्यादा सीटें जीतेंगे। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना, कहा हम सत्ता के लालच में बालासाहेब ठाकरे के विचारों को तोड़ने वाले नहीं। भतीजे की बगावत पर बोले शरद पवार, इसका अंदेशा मुझे पहले से था लेकिन जो हुआ उसकी चिंता नहीं है। शरद पवार का बयान, आज जो भी हुआ वो बहुत बड़ी बात है, ये गुगली नहीं बल्कि डकैती है। पार्टी के फेस के सवाल पर बोले शरद पवार, हाथ उठाकर अपना नाम लिया। शरद पवार ने कहा अजीत पवार के साथ असली एनसीपी नहीं प्रफुल्ल पटेल ने भी धोखा दिया। प्रफुल्ल पटेल ने शरद पवार के बयान पर बोलने से किया इनकार, कहा अजीत ने पार्टी को मजबूत करने का फैसला लिया है। महाराष्ट्र एनसीपी चीफ जयंत पाटिल का बयान, अजीत पवार ऐसा करेंगे भरोसा नहीं था लेकिन अब कानूनी कदम उठाएंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का तंज, बीजेपी की वॉशिंग मशीन ने काम करना शुरू कर दिया है, अब भ्रष्टाचारियों के दाग धुल गए। जयराम रमेश ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा महाराष्ट्र को बीजेपी के चंगुल से छुड़ाने की हर संभव कोशिश करेंगे। सोनिया गांधी ने सियासी हालात पर शरद पवार से की बात, समर्थन का दिया भरोसा। बीजेपी पर भड़के महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले, कहा वो देश की राजनीति को कुचल रही है। शिंदे सरकार पर सीएम भूपेश बघेल ने ली चुटकी, कहा ये सरकार नहीं तीन पहिए वाली ऑटो रिक्शा है। एनसीपी विधायकों की बगावत पर बोले संजय राउत, शरद पवार से उनकी बात हुई, पवार ने कहा जिसे जाना हो जाए पार्टी फिर से खड़ी कर लेंगे। संजय राउत का बड़ा दावा, कहा कुछ दिनों महाराष्ट्र को मिलेगा नया सीएम, एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायक ठहराए जाएंगे अयोग्य। उद्धव ठाकरे और शरद पवार की फोन पर हुई बात, शरद पवार बोले शिवसेना की तरह एनसीपी को भी तोड़ा लेकिन डटे रहेंगे। महाराष्ट्र में सियासी उलटफेर पर राज ठाकरे का बयान, कहा एनसीपी की पहली टीम सरकार में शामिल हुई, भविष्य में दूसरी टीम भी शामिल होगी। आरपीआई चीफ रामदास अठावले का बयान, महाविकास अघाड़ी को बड़ा झटका लगा है, अजीत पवार काफी समय से नाराज थे। बीजेपी पर बरसे एसपी चीफ अखिलेश यादव, महाराष्ट्र को सियासी प्रयोगशाला बना दिया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा अजीत पवार और साथियों का बीजेपी परिवार में स्वागत, 2024 में महाराष्ट्र में जीतेंगे 48 लोकसभा सीटें। एनसीपी विधायकों की बगावत पर बोले उद्धव ठाकरे, जो लोग गए हैं वो खुशी खुशी रहें। 4 जुलाई को उद्धव ठाकरे ने बुलाई बैठक, उनकी पार्टी के विधायक, सांसद और वरिष्ठ नेता होंगे शामिल। सीपीआई के महासचिव डी राजा का बयान, महाराष्ट्र और देश की राजनीति में क्या प्रभाव होगा देखना पड़ेगा। जेडीयू चीफ ललन सिंह का बयान, बीजेपी जनता में नहीं जोड़ तोड़ में विश्वास करती है, बिहार में भी इसकी कोशिश कर चुके हैं। एनसीपी ने जितेंद्र अवार्ड को नियुक्त किया नेता प्रतिपक्ष, पहले अजीत पवार थे नेता प्रतिपक्ष। 4 जुलाई को महाराष्ट्र कांग्रेस विधायक दल की बैठक, नेता विपक्ष पद समेत प्रदेश में सियासी हलचल पर होगी चर्चा। महाराष्ट्र में सियासी उलटफेर का साइड इफेक्ट शुरू, एनसीपी समर्थकों ने पार्टी के बागी नेताओं के पोस्टरों पर काली स्याही पोत। अजीत पवार के डिप्टी सीएम बनने पर एनसीपी कार्यकर्ताओं में उत्साह, महाराष्ट्र के जलगांव में मनाया जश्न। तेलंगाना के खम्मम में राहुल गांधी की जनसभा, केसीआर पर साधा निशाना, बीआरएस को बीजेपी रिश्तेदार समिति बताया। राहुल गांधी की दो टूक, बीआरएस जिस भी गठबंधन का हिस्सा होगी उसमें कांग्रेस शामिल नहीं होगी। राहुल गांधी ने कहा तेलंगाना में मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी की बी टीम, बीआरएस के बीच जिस संगठन में बीआरएस रहेगी उसमें कांग्रेस नहीं होगी। राहुल बोले मेरी विचारधारा देश को जोड़ रही है, भारत जोड़ो यात्रा के बाद तेलंगाना आकर अच्छा लगा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट, दिखा बीजेपी के साथ एससी एसटी और ओबीसी 2024 में फिर खेलेंगे सबसे ज्यादा कवर। एसबीएसपी अध्यक्ष ओपी राजभर का मायावती को लेकर बयान, कहा हमारी दिली इच्छा मायावती बने पीएम, अब दलित वर्ग का है नंबर। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा सिर्फ जुमलेबाजी की देश को बर्बाद कर दिया। संजय राउत ने कहा बीजेपी ने मान लिया है 2024 में राहुल गांधी बनेंगे पीएम, ये अच्छा संकेत है। पटना में जेडीयू सांसदों की सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात, पहले विधायकों के साथ की थी 1-on-1 बातचीत। केजरीवाल का सीएम भूपेश बघेल पर हमला, कहा छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने राज्य को लूटा। विपक्ष पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का अटैक, कहा यह भ्रष्टाचारियों का गठबंधन। पीयूष गोयल ने कहा तमिलनाडु के बाहर एक वोट नहीं ला सकते स्टालिन, बंगाल बिहार के बाहर ममता, लालू और नीतीश फेल। पश्चिम बंगाल के कुचबिहार में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाया हमले का आरोप।
कुचबिहार हिंसा के घायलों से अस्पताल में मिले गवर्नर सीवी आनंद बोस, स्थानीय समिति के अध्यक्ष से की मुलाकात। टीएमसी सांसद सौगत रॉय का बड़ा बयान, कहा बंगाल में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने में टीएमसी सक्षम, विपक्षी एकता की जरूरत नहीं। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी का गहलोत सरकार पर जोरदार हमला, कहा किसानों और युवाओं को धोखा दिया, महिलाएं भी सुरक्षित नहीं जबकि भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड टूटे। अहमदाबाद में साबरमती रिवरफ्रंट पर अक्षर नदी क्रूज का उद्घाटन, गृहमंत्री अमित शाह ने किया वर्चुअल उद्घाटन। लखनऊ में गृहमंत्री अमित शाह ने गिनवाए मोदी सरकार के काम, कहा 68,000 से ज्यादा शिल्पियों को दिए 100 करोड़ रुपए से ज्यादा, 3 करोड़ से ज्यादा गरीबों के आवास बनाए। गोरखपुर में पोस्टमास्टर जनरल कार्यालय के नए भवन का उद्घाटन, केंद्रीय मंत्री देवू सिंह चौहान और सीएम योगी रहे मौजूद। गुजरात के रोहतल पहुंचे केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के काम का लिया जायजा। भारतीय सहकारी सम्मेलन में बोले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, हमारे पास एक जीवंत लोकतंत्र, लोकतंत्र की संस्थाएं सहयोग पर आधारित है। बालटाल के बेस कैंप पहुंचे जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का लिया जायजा। इस सप्ताह समुद्र में संयुक्त गश्ती करेगा भारत ऑस्ट्रेलिया, इंडियन नेवी और रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स P-8A पोसिडॉन करेगी निगरानी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यूसीसी का किया समर्थन, कहा एक समान कानून लागू होने से देश मजबूत होगा, बीएसपी नहीं करेगी विरोध। मायावती ने यूसीसी पर बीजेपी के मंशा पर उठाए सवाल, कहा यूसीसी पर बीजेपी के तौर तरीके से हम सहमत नहीं है। मायावती की सरकार से अपील, यूसीसी पर बनाई जाए आम सहमति, सभी धर्मों का हो सम्मान, जबरन न थोपा जाए कानून। ओपी राजभर का यूसीसी को समर्थन, कहा जब देश में एक संविधान तो अलग अलग धर्मों के लिए जुदा कानून क्यों। यूसीसी को लेकर बोले अखिलेश यादव, नोटबंदी और 2000 के नोट बंद करने को लेकर बीजेपी के पास जवाब नहीं, इसीलिए मुद्दा उठाया। 3 दिनों के दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड के सीएम धामी, कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात, यूसीसी को लेकर अहम विजिट। हिंदू सेना ने यूसीसी के समर्थन में संसद मार्ग पर लगाए पोस्टर, विरोध करने वाली पार्टियों को बताया हिंदू विरोधी। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, विष्णुपुर में बंदूकधारियों के साथ गोलीबारी में 2 ग्रामीण स्वयंसेवकों की मौत। मणिपुर के विष्णुपुर चूड़ाचांदपुर पहुंचे सीएम एन बीरेन सिंह, पहाड़ी इलाकों की जमीनी स्थिति का जायजा लिया। मणिपुर में हिंसा का मामला, इम्फाल पश्चिम जिले में कर्फ्यू में दी जाएगी ढील, 3 जुलाई को सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगी ढील। मणिपुर के हालात पर पी चिदम्बरम का बयान, सीएम बीरेन सिंह के इस्तीफे से शांति बहाल करने में मिलेगी मदद, असम सीएम को मामले से दूर रहने की नसीहत। मणिपुर हिंसा पर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, राज्य में मिली चाइना मेड राइफल्स, सीएम को हटाकर लगे राष्ट्रपति शासन। संजय राउत ने मणिपुर हिंसा में चीन का हाथ बताया, कहा मणिपुर में लगाना चाहिए राष्ट्रपति शासन। दिल्ली के भजनपुरा में बुलडोजर का एक्शन, अतिक्रमण कर बने मंदिर और मजार को हटाया गया। बुलडोजर की कार्रवाई पर डीसीपी तिर्की का बयान, कहा कार्रवाई में लोगों का मिला सहयोग। जेडीएस नेता कुमारस्वामी का सिद्धरामैया सरकार पर अटैक, कहा कांग्रेस को जनता की समस्याओं से कुछ लेना देना नहीं। पीएफआई मामले में पटना के फुलवारी शरीफ और दरभंगा में छापेमारी, एनआईए और बिहार एटीएस का ज्वाइंट एक्शन। बिहार के दरभंगा में एनआईए की रेड, पीएफआई मामले में बहेड़ा के छोटकी बाजार से एक संदिग्ध गिरफ्तार। लखनऊ एटीएस ने धर्मांतरण के एक रैकेट का किया खुलासा, 3 लोगों को गिरफ्तार किया। अमरावती के आरटीओ विभाग ने तैयार की बुलाना हादसे की रिपोर्ट, बस की स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, टायर नहीं फटने का जिक्र। कर्नाटक के दावणगेरे स्टेशन के पास धारवाड़ बंगलोर वंदे भारत पर पथराव, खिड़की का शीशा टूटा। अमरनाथ यात्रा के दौरान टट्टू से फिसलकर गिरा एक तीर्थयात्री, सीआरपीएफ की माउंटेन रेस्क्यू टीम ने बचाया। दिल्ली पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया, हथियार के साथ डांस करते वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन। दिल्ली में अगले 3-4 दिनों तक बारिश की संभावना, दिल्ली में 5 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट जारी। गुजरात में बारिश के दौरान अब तक 11 लोगों की मौत, कच्छ, जामनगर, जूनागढ़ और नवसारी में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम तैनात। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पहुंचे जामनगर, बाढ़ प्रभावित लोगों से की बातचीत। गुजरात के सुरेंद्रनगर में उफान पर नदी नाले, कई गांव में घुसा पानी, यातायात भी हुआ प्रभावित। गुजरात के वलसाड़ में कोलक नदी उफान पर, सड़कों पर भरा पानी, भारी बारिश से किसानों को भी भारी नुकसान। गुजरात में बाढ़ बारिश पर अमित शाह का ट्वीट, कहा सीएम भूपेंद्र पटेल से की बात, लोगों के साथ खड़ी है केंद्र और राज्य सरकार। पुडुचेरी में तेज हवा के साथ भारी बारिश, एक पेड़ गिरने से एक मकान की दीवार टूटी। असम के बारपेटा में बाढ़ के साथ ब्रह्मपुत्र नदी में कटाव, दहशत में हैं लोग, कटाव की वजह से सैकड़ों परिवार विस्थापित, सुरक्षित ठिकानों पर जा रहे हैं लोग। नैनीताल के भवाली में गाड़ियों पर गिरा लैंडस्लाइड का मलबा, गाड़ियों में किसी के नहीं होने से बड़ी घटना टली। मुरादाबाद में बारिश से फसलों को भी नुकसान, टमाटर की खेती करने वाले किसान प्रभावित। मध्य प्रदेश के भोपाल में 100 से 120 रुपए किलो तक मिल रहा टमाटर, बारिश से कीमतों में उछाल। फ्रांस में युवक की मौत के बाद हिंसा जारी, आज के दंगे में 719 लोग गिरफ्तार। भारत ने जीता एशिया ओशिनिया आईसी रॉड लेवर जूनियर चैलेंज, विश्व फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को 9 विकेट से दी मात, वर्ल्ड कप 2023 के लिए किया क्वालिफाई। 4 जुलाई को रिलीज होगी फिल्म रॉकी और रानी का ट्रेलर, रणवीर सिंह और आलिया की रोमांटिक जोड़ी आएगी नजर।